अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है, मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और इस टाइम मैं अर्बन ड्वेलिंग की साइट के ऊपर मौजूद हूँ। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ऑसम किस्म का दिन है। रात के 1 बज चुके हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम इस टाइम एक टेस्ट पाइल करने के प्रोसेस के अंदर हैं। हमारे साथ डॉक्टर इरफान मौजूद हैं जो हमारे जियो टेक्निकल कंसल्टेंट हैं। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे काम हुए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? जी सीब साहब, थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट, और इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम। जैसे कि हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कशन की थी कि चैलेंज इसमें सबसे बड़ा ये है कि इफ़ वी कंसिडर द एंटायर फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग के अंदर आधा एरिया कटिंग के अंदर आ रहा है, आधा एरिया फिलिंग के अंदर आ रहा है, और दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग व्यू पॉइंट। आपकी जो फाउंडेशन होती हैं, बुनियादें होती हैं किसी बिल्डिंग की, जिसके ऊपर सारा लोड आना है बिल्डिंग का, उससे रिलेटेड टेक्निकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि इनिशियली अगर हम इसको इफ़ यू कैमरा कैन पैन बैकवर्ड, तो काफ़ी मैसिव किस्म की एक्सकवेशन है जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व थी। तो वो मैसिव एक्सकवेशन के लिए एक शोरिंग सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन किया, और वो शोरिंग सिस्टम अभी तकरीबन आपका काफ़ी हद तक एग्जीक्यूट भी हो चुका हुआ है। और व्हाट वी आर डूइंग इज़ के कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड ऑल दीज चैलेंजेस, तो हम लोगों ने एक बड़ा क्रिएटिव किस्म का एक टेस्टिंग प्लान हम लोगों ने प्लान किया। और वो टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ यूनिक थिंग इफ यू कंसिडर ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ये यूनिक कह सकते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कभी लोग इसको इसकी तरफ, क्योंकि एक थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इसकी तरफ लोग इतना कभी ट्राई नहीं करते, बट ग्लोबली इट्स अ कॉमन थिंग। और वो ये है कि हम पाइल्स जो कि इसकी बुनियादें हैं मेनली, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमिन करने के लिए जो लोड टेस्ट किया जाता है उसको हम ज़्यादा मीनिंगफुल बना रहे हैं जैसा कि दुनिया में किया जाता है। और वो करने के लिए हम इसके अंदर सेंसर्स लगा रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज बेसिकली द इंस्ट्रूमेंटेड पाइलोट टेस्ट। तो हम इंस्ट्रूमेंटेड पाइलोट टेस्ट करने का आज कर रहे हैं, उसके लिए हम अपनी पहली 2 पाइल्स जो हैं वो कास्ट कर रहे हैं। एक पाइल हम लोगों ने कल कास्ट कर ली और सेकेंड पाइल की कास्टिंग का ये चल रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यू हैव हर्ड इट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। करियर डिफाइनिंग चैलेंज है और हम चैलेंजेस से बैक आउट नहीं करते, और इनफैक्ट हम इंजॉय करते हैं इस चैलेंज को। आपको मैं इनवाइट करूंगा कि आप साइड पे आएँ, हम देखें कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेड पाइलोट टेस्ट, एंकरिंग, फिलिंग, केविंग ऑफ द पाइलिंग, पाइलिंग की एक्सकवेशन, कॉन्क्रीटिंग, सब कुछ आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम।